everyone, welcome back to my classes. So guys, we have been starting the control and coordination part. Maine aapko jaise kaha tha ki hum 10th ki quick revisions karte hain aur kafi sare topics ko we can cover around here. To yahan pe main baat kar rahi hu animal ke nervous system ki, and we are starting with the first topic, that is 6.1, animals ka nervous system. Mostly hum yahan hamare humans ki baat karenge aur samjhenge ki hamara nervous system kaise designed hai hamari sari body activities control karne ke liye. In animals, such control and coordination is provided by nervous and muscular tissues in connection with each other. तो यहाँ पे हम basically बात करेंगे nervous tissue की, और last में हम पढ़ेंगे कि nervous tissue muscular tissue को कैसे involve करके signal देता है. ठीक है, touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. Obviously यार, जब भी हम कोई गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, इट्स लाइक दिस, ऑलवेज इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. हमें उस चीज का पता लगाना पड़ता है एंड देन उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. ठीक है, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट. कैसे पता लगता है कि हमने जो चीज छुई वो गर्म थी? क्योंकि गर्म के छूने से हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो डायरेक्ट सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंच जाते हैं. वहीं पे ब्रेन आइडेंटिफाई करती है दैट इट इज समथिंग हॉट एंड यू हैव टू विड्रॉ योर हैंड. क्विकली नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स हमारे मसल को भेजता है कि यार चल हट वहां से, ये गर्म चीज है, इट विल बर्न योर स्किन. तो तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं. बट ऑल दीज एक्शंस टेक्स प्लेस वेरी वेरी क्विकली. आप देखो ना, जैसे ही हम गर्म चीज को छूते हैं तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं. तो इसके पीछे बहुत ही क्विक रिफ्लेक्स होता है. ठीक है, we need to detect and respond to it. All the information from our environment is detected by specialized tips of nerve cells. That means her nerve cell ke upar, each nerve cell has specialized space. Koi specialized space hoti hai uske upar, theek hai, which डिटेक्ट्स, जो पता लगा लेती है फटाफट किस चीज का, विच डिटेक्ट्स द एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, जो एक्सटर्नल स्टिम्यूलस का फटाफट पता लगा लेती है. ठीक है जी, दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स. ये रिसेप्टर्स मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में, सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन. तो यहाँ पे वो आपको डिफरेंट रिसेप्टर्स के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखना. गस्टेटरी रिसेप्टर, जो टेस्ट रिसीव करते हैं, वेयर एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो हमें एनसीईआरटी बता रही है. ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और ये पेपर में पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में. द इंफॉर्मेशन, व्हाट एवर स्टिम्यूलस रिसीव्ड, दैट इंफॉर्मेशन फर्स्ट इज अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल. अगर हम यहां बात कर रहे हैं डेंड्रिटिक टिप की, तो आइए फटाफट एक न्यूरोन का डायग्राम बनाते हैं. This is a diagram of a neuron. जहां पे ये है इसकी dendritic tips, dendrites, these are the dendrites. तो ये बिल्कुल इसकी dendritic tip है. Center में present होता है cytoplasm and the nucleus, so it is called as the cell की main body. ये जो long fiber run कर रहा है, this is known as axon. और axon terminate कर रहा है axon endings में, जिसे हम nerve endings या nerve terminals के नाम से भी जानते हैं. ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड. ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट. ओके, ठीक है जी, आगे देखो. डेंड्रिटिक टिप पे इंफॉर्मेशन आती है और वहीं से सेट ऑफ होता है एक केमिकल रिएक्शन. वहां से सेट ऑफ होता है एक केमिकल रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है. मतलब जो भी यहां पे इंफॉर्मेशन आई वो यहां पे आएगी,
ठीक है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, ऑल दिस विच आई एम ड्रॉइंग इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज रनिंग थ्रू आउट द न्यूरॉन. दिस इम्पल्स इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन जो बाहर के एक्सटर्नल स्टिम्यूलस से आई थी. ठीक है, दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी अलोंग द एक्सॉन टू द एंड, फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड टू एक्सॉन. At the end of the axon, electrical impulse releases some chemicals. अब यहां से electrical impulse को आगे जाना है, ठीक है, nerve ending तक पहुंच गई, अब उसको दूसरे neuron पे jump करना है. तो वो क्या करती है, यहां पे एक chemical release करती है, यहां पे एक chemical release करती है जिसे हम बोलते हैं neurotransmitter. ये न्यूरोट्रांसमीटर इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पहले न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे जंप करने में मदद करता है. ठीक है, सो एज यू कैन सी इट इज रिटन, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनैप्स. ये जो दोनों के बीच में गैप होता है इसको हम साइनैप्स कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को साइनैप्स बोला जाता है. तो साइनैप्स के थ्रू वो केमिकल क्रॉस कराने में मदद करता है एंड स्टार्ट्स अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्रिटिक एंड ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. तो इसी तरीके से वो उसको अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफर कर देता है विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमिटर्स. ठीक है, सो दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इंपल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी. ये नॉर्मल कहानी है कि नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में. ऐसे ही साइनैप्स फाइनली इंपल्सेस को न्यूरॉन से अदर सेल्स तक भी पहुंचाती है, लाइक फॉर एग्जांपल्स मसल्स या ग्लैंड्स. अब अगर मैं कहूं कि यहां से जो इंफॉर्मेशन है, यहां से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन के पास नहीं जाएगी, नर्व खत्म हो गई, अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, यहाँ मसल. तो जो इंफॉर्मेशन है वो मसल के रिसेप्टर्स को आके जुड़ रही है, वो ये ट्रांसमीटर्स जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मसल के रिसेप्टर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो जो ऐसा जंक्शन है जो मसल और नर्व के बीच में बनता है, ऐसे जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं. ओके, सो वो यही बता रहे हैं, दिस इज पासिंग ऑन टू सम स्पेशलाइज्ड सेल्स और ग्लैंड्स. ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसको समराइज करेंगे कि जो भी हमने यहां पढ़ा, व्हाट डस ऑल दिस इंक्लूड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून. थैंक यू.